हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं अपने घर से और मैं जाने वाला हूँ आज घर पर रखने के लिए। और ये रहा पट्टी, इसी के ऊपर अपन जो फसल है ना सोना, उसी को रखने वाले हैं। और फटाफट बड़े भैया चल दिए हैं तो गुस्सा करेंगे, उससे पहले अपन लोग भी चल देते हैं, फटाक से चलते हैं। और सौरभ भाई भी आएगा, मतलब व्लॉग करेगा ना, मैं काम करूँगा तो वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर का दिखाएगा, तो चलते हैं फटाफट। सो दोस्तों, तो फाइनली तुम्हारा भाई निकल गया है। और पटकू को इसलिए रखा हूँ क्योंकि मुँह बांध के निकल, मतलब वही उठाऊंगा यार कसम से, वरना मतलब इधर उधर सभी कट जाता है भाई। उसका जो पैरा होता है ना पीछे का परत, वो बहुत ही थोड़ा धार वगैरह होता है ना, तो हल्का से भी पड़ता है ना तो कट जाता है। और चेहरा तो भाई खास कर बचाना है, तो इसलिए इस पटकू को पूरा लपेटूंगा अपने चेहरे में और फिर ये पकड़ के जा रहा हूँ। और भैया एक ले गए हैं तो चलते हैं फटाफट। सो दोस्तों, फाइनली खेत पहुँच गया हूँ और इधर भैया भी आ गए हैं, तो फटाफट करते हैं काम अपना। सो दोस्तों, फाइनली सौरभ आ गए हैं और अभी करने वाले हैं। इसको ऐसे करूँगा, एक एक करके उठाना पड़ता है भाई कसम से, और एक भी नहीं छोड़ना पड़ता है बाल वगैरह, क्योंकि यही तो हमारा फल है, मेहनत का फल। तो इसे करते हैं और यहाँ पे खरी बांधे हैं, आइए देखिए, आइए ऐसे रख के थोड़ा सा इसको फैला देते हैं, फिर जो बड़ा खजी बनता है ना तो वो भी मतलब ना भटकने की कगार पे नहीं रहता है, ऐसे कर देंगे ना तो ये मस्त है। इसके ऊपर चपके चप और होता जाएगा, और एक ही तरह ऐसे रबस देंगे ना तो बाद में बड़ा खड़ी बनेगा ना तो भटक जाएगा कहीं ना कहीं पे। और यही काम है सौरभ भी अपने घर में मतलब करने वाला है। सौरभ को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो गाइस, किसान असली किसान। तो सौरभ भी करने वाला है, उनका खेत जस्ट बगल में है ना, आप लोगों को कई बार दिखा दिया हूँ। और चाचा भी आ रहे हैं और ये लोग भी ऐसे करने वाले हैं। सौरभ को मैं बोला था कि कल ही हाथ चला जाओ भाई, नहीं गया तो देखो इसको भी काम मिल गया है। और अभी करते हैं अच्छे से, आप लोगों को दिखा दिया तो करते हैं फटाफट इसको। सो दोस्तों, तो अभी फाइनली मैं पार्क के पास पहुंच गया हूं और यह फर्स्ट वाला कितने ही किए, अभी दिख रहा है आपको छोटा कैमरे में। और वो पहला वाला है, मतलब सेकेंड वाला है जिसको उधर का एरिया करे हैं, और इधर का पूरा एरिया क्लीन हो गया है और उधर का बचा है। और आज में तो होगा नहीं, खाना खाने जा रहे हैं, अभी खाना वगैरह नहीं खाए हैं। सो दोस्तों, जो खेत का काम होता है ना कसम से भाई बहुत ही मतलब गंदा सीन हो जाता है भाई। साला बाहर काम करने जाओ ना तो इतना ज़्यादा नहीं थकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं थका, मतलब थकावट होता है। और जो खेत का काम होता है उसमें हालत में हो जाता है भाई इसलिए। और ये बोरी लेके चला गया था बट भैया छोड़ के गए थे घर में और मैं लेके चला गया था, थोड़ा सा डांट वाट सुना और फिर लेके जा रहा हूँ भाई। तो चलते हैं फटाफट घर भाई, भूख लगे ना। सो दोस्तों, तो खाना वाना हो गया है और फाइनली निकल रहे हैं, एक घंटा का रेस्ट वगैरह किए हैं, आधा घंटा खाने में और करीबन 40 मिनट रेस्ट किए हैं। तो अब चलते हैं भाई क्योंकि फटाफट काम करना है, उधर का कंप्लीट भी करना है। और आज में होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बांझ गया, या फिर हो भी सकता है चार जने हैं अपन लोग, अभी मम्मी चली गई है, बीच रास्ते में बैठे थे आते समय, तो चलते हैं फटाफट भाई। सो दोस्तों, फाइनली पहुँच गए हैं और करते हैं अच्छे से काम। वहाँ पर भैया हैं, वहाँ पर मम्मी हैं, बोझा वगैरह बांध रही उधर का, क्योंकि उधर का थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो सीधा एक ही साथ आएगा बड़ा बड़ा वाला, तो करते हैं फटाफट काम। तो दोस्तों, अभी फाइनली मतलब ऊपर बहुत ही बड़ा हो गया है हमारा, जो बनता है ना क्या बोलते हैं उसको, मिसाल खरी बहुत ही बड़ा हो गया है। तो उसको ना अब बांध के फेंकेंगे क्योंकि ऐसे हाथ से नहीं जाएगा, बहुत ही बड़ा हो गया है। तो चलिए इसे उठाते हैं और फिर लेके चलते हैं इसको, पहले ऐसे झुला कर थोड़ा ऐसे और फिर फेंकते हैं। और दोस्तों, इसे झुलाते हैं और अच्छे से फेंकते हैं, देखा काम हो गया। तो दोस्तों, फाइनली अभी घर जा रहे हैं भाई, कसम से हालत बन हो गया है, अब वाटर टाइप सकल दिख रहा है। तो सबसे पहले जाएंगे अभी नहाने के लिए क्योंकि नहाए नहीं है, और फटाफट नहा लेते हैं तो फिर चलते हैं। सो दोस्तों, तो फाइनली तुम्हारा भाई हो गया है नहा खोर के रेडी, और अभी जाने वाले हैं अपन लोग बाइक राइड में, जो कि हमारे सिंधिया आए हैं ना होंडा SP125 को लेके। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं होंडा SP125 का पावर दिखा रहा हूँ दोस्तों, और उसका जो मीटर है ना, जो जिसकी मैंने बहुत पहले तारीफ किया था ना कि बहुत ही तगड़ा है, उसको आप लोगों को दिखाऊं, आपको भी बहुत ही तगड़ा लगे। और थंबनेल में उसी का फोटो लगा है, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा भाई हो। तो चलते हैं आज NS125 का राइड करते हैं। तो आज हमारे पास हेलमेट वगैरह ही है, तो सौरभ भाई को पकड़ते हैं फटाफट, तो चलिए। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर मैंने होंडा SP125 को निकाल लिया, और ये देखो भाई इसका लुक ही तगड़ा भाई कसम से यार, भाई भाई क्या ही खतरा है यार कसम से भाई। तो इसका राइड तो करना पड़ेगा भाई, इसका जो कि मेरे को सबसे बेटर लगता है ये है मीटर,
तो चलते हैं ब्रो, टाटा। तो दोस्तों तो फाइनली यहाँ पे सौरभ भी आ गए हैं, और ये देखो भाई कितना तगड़ा दिख रहा है इसका, जो देखो डेमो, ये चौकी चौकी भाई जिसका ये लुक है ना, बहुत ही तगड़ा दिख रहा है भाई, खतरा यार आगे से देखने में। और ये मीटर भाई खतरा है भाई, और इधर भाई सौरभ दोनों बैठे हैं, तो चलते हैं फटाफट भाई। सो दोस्तों तो अपना बाइक स्टार्ट करके फिर मैं निकलता हूँ धीरे धीरे करके, उसके बाद अच्छे से स्पीड बढ़ाते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा अपन लोग भगाते हैं 78 करीबन, यहाँ पे अभी टॉप स्पीड वही रहेगा 78, और इधर ज़्यादा भगा नहीं सकते क्योंकि इधर का जो रोड था ना वो मोड़ वगैरह था, इसलिए कम करके स्पीड निकल जाते हैं। सो दोस्तों तो अब चेक करते हैं इसका टॉप स्पीड, पहले पहला गियर का देखते हैं। अभी पहला गियर का टॉप स्पीड अपन का 20 रहेगा, फिर सेकेंड गियर लगेगा, फिर सेकेंड गियर का 40 रहेगा भाई, इतना तगड़ा। और उसके बाद फिर थर्ड गियर, चौथा गियर, दोस्तों कतई जहर भगता भाई स्मूथ यार यहाँ पे, और इसका सर्विसिंग अच्छे से नहीं हुआ है वरना भाई बहुत ही तगड़ा यार, अभी जो इतना समय ले रहा ना वो उतना समय भी नहीं लेता, और बहुत ही तगड़ा भगता भाई कसम से भाई, बता रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों तो मैं अभी भगाने वाला हूँ 90 से ऊपर, अभी देखते हैं कितना भग रहे हैं, 89, 88, 90, 91, 92, 93, 94, ये टॉप स्पीड हो गया अभी का, और अभी इतना खासा नहीं भगाए। तो दोस्तों तो कैसा लगा भाई इसका है ना ताकत भाई, बहुत ही तगड़ा है भाई, SG Honda जो हमारा सबसे पुराना बाइक है कसम से बहुत ही तगड़ा है भाई, आप लोगों को मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। 95 चखा और ज़्यादा भी चक सकता था, 110 करीबन चखता है, बट उतना नहीं चखा है क्योंकि इधर का रास्ता उतना खास नहीं है, और चलते हैं फिर, रात भी हो गई है। तो दोस्तों तो अभी फाइनली घर चलते हैं, और इसका देख आगे आगे दिखावे ना ठीक, और दोस्तों इसका मस्त मस्त वाला चीज़ दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये डबल लाइट जो कि बहुत ही तगड़ा है, रात को और चीज़ दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा उतना खास, बस तगड़ा है भाई ये देखो। तो चलते हैं फटाफट घर। तो दोस्तों तो फाइनली तुम्हारा भाई घर पहुंच गया है, और आप लोगों को कैसा लगा भाई मेरा जो SG Honda 125 राइड, भाई तगड़ा ही लगा होगा यार, और मतलब भाई नाइट को ना चलाते तो बहुत ही तगड़ा लगता है यार, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा ही बाइक है यार कसम से, आप लोग अभी उतना अच्छे से नहीं देखो, जिसके पास होगा ना उससे पूछना भाई, कसम से भाई बहुत ही तगड़ा है, और एवरेज के मामले में भाई ये तो राजा है भाई हमारे घर में, क्योंकि ये दोनों उतना खासा एवरेज नहीं देते, ना CV ना NS, तो भैया CV तभी नहीं देता, तो वही दोस्तों कसम से बहुत ही तगड़ा था, और मजा आया भाई चलाने में। देखा एक ही मतलब कुछ मिनटों में ही मतलब 95 भाग गया था अच्छा खासा मतलब, और अभी उतना खासा रिस्यूम वगैरह नहीं हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं ना 2019 में लिए थे, टाइटल भी अभी चेंज नहीं हुआ है, तो वो सभी हो जाएंगे, और सर्विसिंग हो जाएगा ना तो बहुत ही तगड़ा, और अच्छे से एक मिनट भी नहीं लगेगा 100 चकने में, तो बहुत ही तगड़ा मजा आया कसम से, और सौरभ को भी मतलब अच्छा लगा भाई। तो दोस्तों आप लोगों को आज का मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देगा, साथ ही साथ चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।